नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। कल्याण में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती लाइट बिल की कीमतों को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल्याण पश्चिम में स्थित तेजश्री एमएसईबी कार्यालय के गेट पर आपके कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग सहित राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार का विरोध किया। इस दौरान आप नेता सिद्धार्थ गायकवाड़ ने शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी सरकार गुवाहाटी का खर्च आम जनता से वसूल रही है, भ्रष्ट लोगों को छोड़ सरकार गरीब जनता को लूट रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जनता को बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सहूलत दी है, उसी प्रकार से यहां की सरकार पर भी जनता को बढ़ते बिजली के दामों में राहत देनी चाहिए, ऐसी मांग आप नेता सिद्धार्थ गायकवाड़ ने की है। तो आइए जानते हैं इस विषय में क्या कहना है आपके नेता सिद्धार्थ गायकवाड़ का। ये जो हमारा आंदोलन है ये महंगाई के खिलाफ है। आज का जो ये आंदोलन है, जो महाराष्ट्र में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो दाम बढ़ाया है 20% से, उसके खिलाफ है। जो हमारे सवाल हैं, ये जो गुवाहाटी का खर्चा है ये आम आदमी से वसूल करना चाहते हैं ये लोग, साधारण जनता से ये वसूल करेंगे। एकनाथ और देवेंद्र जी जो हैं सत्ता में बैठने के 2 दिन बाद ही जो आम आदमी का ये खर्चा बढ़ा रहे हैं, ये गुवाहाटी का खर्चा हमसे वसूल करना चाहते हैं। ये ईडी सरकार जो है ये करप्ट को पकड़ने के बदले जो ईमानदार टैक्सपेयर है उसके पीछे पड़ी है। हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे पंजाब में भगवान मान जी ने बिजली, पानी, आरोग्य, स्वास्थ्य फ्री किया है, वैसे ही महाराष्ट्र में ये किया जाए। महाराष्ट्र के नागरिकों को भी पूरा हक है कि उन्हें उनके टैक्स के बदले उनको बेनिफिट्स मिले। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।